हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त जादिद, मैं आपको वेलकम करता हूँ सुपर एडिट यूट्यूब के चैनल में। ठीक है जी, मैंने पहले वीडियो में आपको पिक कार्ड डाउनलोड करना सिखाया। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप एक नॉर्मल कैमरे, मोबाइल कैमरे से, डिजिटल कैमरे से या किसी और कैमरे से भी फ़ोटो को खींचकर आप DSLR वाली लुक दे सकते हैं। लुक का मतलब कि आप उसे पीछे से बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं पिक आर्ट में। ठीक है जी, मैंने आपको इस वीडियो में दो तरीके बताने हैं। जो पहला तरीका बताने जा रहा हूँ, देखिए कोई भी फ़ोटो है नॉर्मल, उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये पिक आर्ट में हो गई ओपन। इसे मैंने ओपन कर लिया। इफेक्ट में जाकर आप इसे कर देंगे ब्लर। इसे करेंगे आप ब्लर, और ब्लर करने के बाद ये रबड़ के बटन पर क्लिक कर दें। ये ब्लर हो गई, इससे ये जो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें और आपका बैकग्राउंड जो था ब्लर छुप गया, फ़ोटो दोबारा वैसे जैसे पहले थी। ठीक है जी, और ये जो आपको ब्रश नज़र आ रहा है इसकी सेटिंग वेटिंग कर लें, ये ऐसे रहने दें। ऊपर से सेटिंग वेटिंग रेजर की कर लें। मैं यहाँ रखता हूँ और जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ब्लर किया जाता है। अब आराम आराम से तसल्ली से जूम कर करके कीजिए। सिर्फ आपको ये मैं दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है जी, इस तरह आप इसे ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, ब्लर करने के बाद आपने क्लिक पे करना है और क्लिक करना है। ठीक है जी, और इसे आपने सेव करने के लिए इस एरो पर क्लिक कर दें और आप यहां से सेव वगैरह भी कर सकते हैं। ये था हमारा पहला तरीका। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। ठीक है जी, तो इस फोटो को कर दें क्लिक दोबारा। ठीक है जी, इस फोटो को मैं क्लिक करता हूं, ये दोबारा पिक कार्ट में ओपन हो गई। वही तरीका, इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद आप ब्लर में जाएंगे। ब्लर में जाने के बाद इसे आप सेटिंग को कुछ नहीं करना, क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आई आपके सामने आ चुकी है। फिर आपने जाना है नीचे ड्रॉ में, ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद फिर ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ये कुछ आपको इस तरह की नज़र आएगी। ठीक है जी, तो आपने इन ऊपर क्लिक करके इस टोकरी को दबा कर डिलीट कर देनी है एम्प्टी लेयर। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रही हैं। फ़ोटो लेयर पे क्लिक करेंगे, दोबारा इस फ़ोटो को लेंगे। ये क्रॉप उसी साइज़ में होगा जो फ़ोटो आपने पहले ली होगी। जल्दी से आपने इस पे क्लिक करना है। आपकी फ़ोटो आ गई, नीचे वाली को ख़त्म कर दें। जो ब्लर थी, ऊपर वाली ब्लर नहीं थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे वाली ब्लर थी, ऊपर वाली नहीं थी। ऊपर वाले को क्लिक करें, रेजर लें, इसे छुपा दें और जल्दी से इस तरह बैकग्राउंड काट दें। मैं आपको बैकग्राउंड काटने के बाद ही मिलता हूँ। तो जी नाज़रीन, मैं बैकग्राउंड काट चुका हूँ। ठीक है जी, तो नीचे वाली जो ब्लर थी उसको मैं क्लिक करता हूँ और आयत को ओपन करता हूँ और ये ब्लर ख़त्म होकर हमारी एक अच्छी फ़ोटो आ गई। ठीक है जी, तरीकाकार इधर से क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। एरो को दबा दें। ठीक है जी, और वही तरीकाकार एरो पर क्लिक करके सेव करें। अगर आपको इन दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर दोनों अच्छे लगे हैं तो मुझे वो भी बताएं। ठीक है जी, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। टेक केयर।